बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना कराना था, आपको बता दें कि वो अब पूरा हो चुका है। और जो जाति जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी आप सब ने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से सार्वजनिक कर दिया। आप सब ने अपने जातियों का जो नंबर होता है, जो परसेंटेज होता है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इस जाति जनगणना को फैक बता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो जाति जनगणना कराया गया है, कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार के द्वारा ये जो गणना कराया गया है, ये रिपोर्ट गलत है। तो अभी हम लोग अभी के नगर प्रखंड में हैं। इधर ऑटो वाला है, दिखाइए, ऑटो वाला है, आपको दुकान वाला सब भी दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया है वो किस हद तक सही है, क्योंकि अभी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो जाति जनगणना कराया गया वो सही तरीके से बिहार सरकार ने नहीं कराया। तो वही उसी चीज़ को हम लोग जानेंगे और चलेंगे बारी बारी से, दुकान वाले से जो भी यहाँ पे चौराहा पे मिलेगा उनसे हम बातचीत करेंगे। दो मिनट आंटी इधर आ जाइए, आप नहीं बोलिएगा, चलिए, ये नहीं बोलेगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? सिंह बोले तो कौन जात? गोरी। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए कि जो जाति जनगणना करवाया गया सरकार के द्वारा, तो आप लोग के घर पे मास्टर साहब आए थे? नहीं आए थे। अभी से 2 महीना 3 महीना पहले? नहीं। कहाँ मिले चाची तोरो? उर्मिला देवी। घर कता भेला? बनिया पट्टी। अच्छा जो जाति जनगणना भेल रहे सरकार करेलको रहे, तोरा सबके मास्टर साहब घर पे गेलो रहे जाति जनगणना करे लिए? हाँ गेलो रहे। तो की सब पुछलको रहो तोरा सबके? पुछलको रहे की सब छौ नै छौ इएह सब। की सब? जगह जमीन इएह सब। कितना दिन पहले आयलो रहे मोटा मोटी? 6 महीना भए गेलै। ये के नगर चौक है और दुकानदारों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? लोकेश्वर सिंह। सिंह बोले तो कौन जात? गोरी। अच्छा एक बात बताइए, मास्टर साहब आए थे आपके घर पे जाति जनगणना जो हुआ था? आया था। क्या सब पूछे थे आप लोगों से? उनसे पूछे मतलब क्या नाम है, कैसे क्या है, जातवाद भी पूछे? जात पूछे। जमीन जगह और मकान यही सब पूछे। इनका भी कहना है कि आए हुए थे। चलिए और भी कुछ लोगों से चलेंगे हम, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका, नाम क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं, बोलिए। हम बोलिए ना। चंदन कुमार गुप्ता। अच्छा 18 साल से ऊपर हैं आप? हम 32 साल हैं। 32 साल नहीं पता चला। अच्छा बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना कराया गया था, तो क्या आपके घर पे मास्टर साहब आए थे? आए थे। क्या क्या पूछे थे थोड़ा बताइए तो? उस टाइम में हम नहीं थे, जानकारी होगा ना उसके विषय? हमको पता नहीं, आप बगल वाले से पता। आए थे आप जानते हैं? आए थे आपके सामने में? नहीं हम नहीं थे। अच्छा उसके विषय में? चलिए उधर कुछ लोग हैं, भैया के पास ज्यादा जानकारी है नहीं, उधर पूछेंगे फिर हम लोग उधर चलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका, नाम क्या हुआ? महेश कुमार जी। कौन जात से हैं? गुप्ता। आप शर्माएंगे नहीं ना जाति पूछने में? नहीं काहे शर्माएंगे। अच्छा बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना कराया गया है, तो 2-3 महीना पहले तो मास्टर साहब आप लोग के घर पे गए थे? जी मास्टर साहब तो गए थे, मगर हम वहाँ नहीं थे, हमारे भाई लोग था, वो लोग था। पक्का गए थे? हाँ मास्टर साहब गए थे, लिख के ले गए थे। अच्छा खबर में ऐसा दिखाया गया कि नहीं गए थे, फेक रिपोर्ट बना के बिहार सरकार ने दे दिया है? बहुत तरह का बात है, जो कुछ बोलता है बोलने वाला बोलवे करेगा, उसमें हम क्या कर सकते, हम जो देखे वही आए थे। क्या नाम है भैया आपका? छोटू कुमार गुप्ता। बोले तो कौन जात? गुप्ता। बोले तो नोनियार, जिसको बोला था नोनियार। जो जाति जनगणना कराया गया था, तो आपके घर पे आए थे गणना करने के लिए? नमने थे, हम नेपाल गए थे। नहीं पता भैया, उधर चाचा हैं, मुस्कुरा रहे हैं चाचा। के नाम बोले चाचा तोरो? सतनायन सर। सतनायन सा। सा कौन जात? बनिया। अच्छा मास्टर साहब तोर घर पहले? नहीं आया है बोलते रहे। पक्का बताइए कौन मास्टर आया, कहाँ आया है मास्टर? मेरा यही प्रॉपर मकान है, दुकान। हो सकता है घर पहले हो तो? घर यही है। अच्छा। समझे, नहीं आया है, झूठ बोलकर। अच्छा की लागे छो? अच्छा है वो बताएंगे, नहीं आया है जाति गणना में मास्टर। चलिए उधर चाची हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। चाची की नाम भेले तोरो? हमारा नाम सुशीला देवी। मास्टर साहब आयलो रे घर पे जनगणना जी भेलो रे ओकर? ना आयलो रे। पक्का इसके लिए हम साथ नहीं आए रहे? नहीं। जनगणना का मास्टर कहता है रहता है फ्री, कोई काम ये नहीं करता है, सब आदमी कहता है जनगणना होगा, जनगणना कहाँ होता है? कुछ नहीं भेल रहे।
लगे जनगणना करलो गेले जाति जे गिनलो गेले ना गलत भेले कि सही भेले ना गलत भेले रिपोर्ट गलत छे अगर रिपोर्ट गलत छे ना भेल छे भैया चाची का कहना है कि नहीं हुआ है और क्या बोले चाचा क्या बोले जाति गणना का मतलब होता है कि आप दरवाजे जाकर घर घर सर्वे कीजिए सरकार का पैसा मत ठकिए हम वाजिब बात कहते हैं समझे हम तो यही बात कहें जाति गणना कोई मास्टर नहीं आया ना आया अब जदी कहता है आया बोला जी तो मीडिया में दिखा रहा कि नहीं जाति जनगणना हुआ है हुआ हाँ हाँ खूब हुआ है मीडिया वाले घर बैठले कहीं ले लेगा फोटो ले लेगा दो टो टो कर लेगा जाति गणना में घरे घर होना चाहिए के नाम बोला तोरो रूबी देवी जनगणना जे भेले जाति गिनल के जो सरकार तोरा सबके घर पहले रे मास्टर साहब आया था नरेश का बेटा आया था उसका पत्नी आई की सब पूछल कर रहे वही कि जाति निवास में सब चीज जो होता है वही सब लिखवाए हम लोग जो जाति भी रहते हैं वही सब लिखवाए यही होगा हाँ एक दो महीना हो गया हाँ हाँ आया था इनका कहना है कि आया हुआ था अभी अब दो चार लोगों से बात करेंगे और उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ भोलन यादव भोला यादव जी भोलन यादव कितना परसेंट आपका अब क्या चीज का कितना नंबर जाति जाति तो 14% से तो 14% अच्छा जो जाति का जो गिनती करवाया गया सरकार के द्वारा जाति जनगणना हुआ मास्टर साहब आपके घर पे आए थे पूछने आए थे जी तो कुछ लोग बोल रहे नहीं आया मेरे घर पे घर पे आया था क्या क्या पूछे थे थोड़ा बताइए तो सब कुछ का व्यवहार पूछा ज्यादा जाति बताया जितना मतलब जानकारी था मतलब घर द्वार क्या करते हैं खेती क्या है ये सब भी पूछा था खबर में दिखाया जा रहा कि नहीं फैक रिपोर्ट सरकार जारी कर दिया है जमीनी स्तर पे नहीं गया है कोई मास्टर साहब गया था क्या नाम हुआ आपका अजय कुमार यादव यादव जी 14% कितना ये हमको पता नहीं है कितना पता है नहीं आप लोग को आंकड़ा अभी नहीं पता हम लोग कितना है नहीं अच्छा अभी जो सरकार के द्वारा जनगणना कराया गया तो आप लोग के घर पे टीचर आए थे शिक्षक आए थे हाँ आए थे झूठ बोल रहे हैं सही बात बता रहे हैं झूठ बोलने से आप चौक पे बोले कोई अवे नहीं किया चौक पर हमारा घर नहीं ना हमारा घर गाँव में है यहाँ से 5 आदमी बोला नहीं आ रहा है हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है बसहा गाँव में है हमारे सामने आए थे अच्छा यादव जी बताइए क्या क्या पूछे थे आपसे क्या क्या पूछेंगे जो चीज था तो उसी के बारे में बताए हम नहीं फिर भी जो में क्या जो हमारे पास सारा संपत्ति था प्रॉपर्टी था ये सब चीज बताए हाँ अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बिहार सरकार जाति जनगणना कराया ना फेक रिपोर्ट जारी कर दिया जमीनी स्तर पे गया ही नहीं है ऐसे ही रिपोर्ट दिखा दिया नहीं ऐसे बात कोई नहीं है बिल्कुल हकीकत बात हमको कोई घूस नहीं दे देगा खाने के लिए नहीं देता है जो हम झूठ बोलेंगे किसी के चक्कर में अपना सही बात बता रहे हैं हम क्या नाम है चाचा आपका ओ नाम हमारा उमेश साहब हुआ उमेश साहब हाँ। कौन जात हम लोग साहब है बनिया बनिया जात पूछने में लास्ट शर्म ना डर ना पूछने ना है ना ना अच्छी बताइए सरकार के द्वारा जो जनगणना कराया गया आप लोग के घर पे आए थे हम लोग घर पर अभी तक नहीं आए ये देखिए बोल रहे क्या बोलेंगे तब वही तो पूछ रहे नहीं आए थे हम लोग दिन भर बाहर में रहते हैं एकदम घर में आया कि नहीं आया हमारे सामने में तो नहीं आया एकदम और क्या बोलेंगे दम चाची सरकार जे जाति गिनल के तोरा सब घर पर मास्टर साहब एलो रे पूछे के लिए कौन जात छ गिनै छ की सब छ जमीन जगह गाड़ी घोड़ा ना हमरा आर क छिए उना कटिहार जिला अरे जिला बिहार में न छ हां मास्टर साहब एलो रे पूछे के लिए हां हां कौन जात से तोरा सब आवे छ हमरा के ऋषिदेव छ ऋषिदेव आवे छ पूछे ले लो रे हां मास्टर बोले छ ना बाल बच्चा पढ़ाय लिखाय छ कि नै हम सनी पढ़ाय लिखाय छ भेजे छ स्कूल अच्छा अच्छा जी जनगणना भेले जात जे गिनल के सरकार तोरा सब घर मास्टर साहब एलो रे पूछे लिए ना पक्का नै एलो रे नै एलो छे तू घरे में नै रह ना घर में रहिए ना 3 महीना पहले नै आयल छे हमरा रिक्शा में नै एल रे नै तोर घर पहले रे तोर घर पहले रह हां आया था हम लोग के घर पर सच बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं आया हुआ है ना तो हम लोग का घर दूसरी जगह है ना क्या नाम हुआ आपका अमीना खातून मुस्लिम जी क्या क्या पूछे थे जनगणना करने मास्टर थे क्या अब 3 महीना हो गया अपना याद तो ना है कि क्या सब पूछे थे भूल गए मोहम्मद नफीस आलम नफीस आलम मास्टर साहब आए थे आप लोग के घर पे हाँ आए थे क्या क्या पूछे थे बोलिए तो पूछे नहीं थे लिख के गए थे नाम पूछा और बच्चा सबका नाम पूछा लिख के गया था और कुछ नहीं पूछा नाम की बोला तोरो मनोज मंडल मनोज मंडल कौन जात कुर्मी कुर्मी
अच्छा जनगणना जे भेले बिहार सरकार करल के तोरा सब घर मास्टर साहब एलो रे पूछे लिए आया था पूछने के लिए सच सच बात बोलो ना आया था पिंड बहुत दिन पहले आया था पूछने आदमी सब बोले छे नए नए आलो छे आया किधर आया किधर ले गया होगा ये भी हो सकता है अच्छा क्या सब पूछे थे हम नहीं थे घर पे दिखावत सरकार जाति गिनल करे तोरा सब घर पे मास्टर साहब गेलो रे जात पूछे के लिए ना हमरा के पक्का नहीं गेलो रे ना मकने जाने छी ना जाने छी कि ना एलो रे ना एले ने रे त हमरा हने देखने छी हम घर कहां भेला तोरो के नगर के नगर चलिए उधर भी एक दुखो दुकानदार है क्या नाम हुआ संजय साह संजय साह साह बोले तो कौन जात 22 बनिया 22 बनिया अच्छा अच्छा बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना कराया गया है जात गिनवाया गया 2-3 महीना पहले तो मास्टर साहब आप लोग के घर पे आए थे जात गिनने के लिए कौन जात है क्या है नहीं है नहीं आए थे या पता नहीं है पता तो भी नहीं है लेकिन शायद है कि नहीं आए नहीं आए थे चलिए इनका कहना नहीं आए बोला चाची की बोला नाम आयल रे आशा आशा आयल रे लिख के सबके नाम लागे अभी केना बोललो ना तू मास्टर दे बोलो इस बोल तो मास्टर भेले आशा भेले हां आशा आयल रे आशा आयल रे अंगना अंगना कहे हेलो क्या नाम हुआ नकुल कुमार साहब पूर्व मुखिया प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी पुष्पुंज हां के अच्छा बिहार सरकार जाति जनगणना करवाया करोड़ों रुपए खर्च किया हां हां शिक्षक को आंगनवाड़ी आशा सेविका सहायिका जो है सबको भेजा गया तो आप लोग के घर पे आए थे नहीं नहीं ये धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है ये बिल्कुल बिल्कुल खर्चा कर दिया वो कर दिया नीतीश बाबू कर दिया ऐसा थोड़ा होता है खत्म खत्म खेला खत्म है ऐसा कुछ नहीं है बिहार में नहीं हुआ है नहीं हुआ है क्या मीडिया में चल रहा है खबर में मीडिया में ऐसे चल रहा है 10% चल रहा है फिर इसके नाम पे रुपया उठाया जाएगा ना सरकार इसका फंड बतरेगा नहीं बतरेगा बतरेगा ऐसा होता है क्या आप दुकान पे रहते हो सकता है घर पे आए होंगे मैंने पूछा ना फोन से फोन किए अरे किए कि नहीं किए ऐसे तो मुखिया प्रत्याशी हैं इनका कहना है कि मेरे भी घर पे नहीं आए इनको पता है हमसे ज्यादा पंचायत में कोई जानकारी होगा क्या समझ लीजिए 16 वार्ड को हमने देखा हर वार्ड हर घर में गए हमसे ज्यादा जानकारी है क्या नहीं हुआ धरातल पे नहीं धरातल पे नहीं हुआ है 10% हुआ होगा बस इतना जान लीजिए जो बोले फ्रेश बात है कहीं कोई शख्स हुआ नहीं है गणेश कुमार यादव यादव जी हाँ बोलिए कितना परसेंट 14% अच्छा बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना कराया गया जिन लोगों को भेजा था कि जाइए जात गिन के आइए तो आप लोग के घर पे मास्टर से विकास आएगा कोई भी आए थे आया था तो बाजार में बोला नहीं आए हैं नहीं आया था क्या ये लोग बाजार का आदमी फिर बोल रहे हैं नहीं घर पे गया था आया था ना क्या कहेंगे क्या नाम हम तो बता दिए भोलन यादव आए थे जी चलिए गांव में घूम कर को पूछिए घरे घर आया है शहर जगह आया है आप चौक चौराहे पे किसी कोई घर में है कोई नए है तो हम लोग महिलाओं को पूछ रहे हैं ना आप जाके गांव में पता कीजिए हम लोग को जो घर घर आया है परमित कुमार पूरा नाम बोलिए ना परमित कुमार ठाकुर ठाकुर जी कितना परसेंट अब आप लोग 1.5% से ऊपर हाँ अच्छा जनगणना जो कराया गया तो क्या आप लोग के घर पे शिक्षक जो आंगनबाड़ी आशा सेविका कोई आए थे कोई नहीं आया क्या लगता है जाति जनगणना हुआ जो क्या किस हद तक सही है या फिर रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे घर में बैठ के बनाया गया कुछ हो नहीं डिलीट का खर्चा हो गया अब क्या हुआ वो तो किया गया सरकार के द्वारा वो तो होगा उसका अभी पता चलेगा धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं हुआ हमसे तो नहीं पूछा आपको चलिए बाकी हमने आपको ये के नगर चौक था यहाँ से हमने आपको दिखाया कि जो बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना कराया गया था उसमें कितनी सच्चाई है बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें।